लोग नेक्स्ट सेगमेंट में, मुझे लग रहा है ये वीडियो मुझे एक दो तीन पार्ट में ही देना पड़ेगा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब बात करते हैं जेएसओ का फाइनल कट ऑफ के बारे में। जो लोग भी जेएसओ के लिए जाने वाले हो, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट हियर टू बी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। फिर भी टायर टू का अगर कट ऑफ देख ले तो यू आर का आया है 546.64, एससी का आया हुआ है 486.49, एसटी कट ऑफ इज 477.40, वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं करेक्ट अप टू 2 decimals ले रहा हूँ। ओबीसी 546.64 और ईडब्ल्यूएस 364.49। सिमिलरली जैसे हम लोग डबल ओ में किए थे, जो लोग भी डबल ओ का कट ऑफ का वीडियो देखे हो, उसमें मैंने क्या बताया था कि हम लोग देखेंगे कि वैकेंसीज कितना है टोटल में। टोटल में जेएसओ का वैकेंसीज है, टोटल में है 110 इस साल, वो करीबन 130 तक पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन पहले हुआ था, तो 130 इज़ गुड, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें से डिवीजन क्या है वैकेंसीज को, ग्रीन से लिखना ही अच्छा है। डिवीजन में यूआर में है 57, मैं लेता हूँ 57 दिया हुआ है, मैं लेता हूँ अराउंड 60 पकड़ लो, अराउंड 60। एससी में दिया हुआ है 22, तो अराउंड 25 पकड़ लो, 2-3 करके ही बढ़ता है जेएसओ का वैकेंसीज। एसटी में इज़ ऑल्सो 22, तो अराउंड 24 पकड़ लो, क्योंकि एसटी का वैकेंसी कम बढ़ता है। ओबीसी का वैकेंसी बहुत कितना अच्छा है, 6-10 पकड़ लो, 6। ईडब्ल्यूएस है 3-5 पकड़ लो। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट द ईयर टू गो इन टू जेएसओ, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, बट क्योंकि क्या कर सकता है, दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि अभी जो पॉइंट देखेंगे वो है कैंडिडेट्स अवेलेबल इन दिस मार्क्स, जो वो लोगों ने डेटा निकाला हुआ है वो है यूआर में, जो जितना कैंडिडेट अवेलेबल है, वाह, 100, इसमें EWS, UR का, EWS, CST का बंदे भी घुस जाएंगे, 100 कैंडिडेट्स अवेलेबल इन SC इज 141, ठीक है, कैंडिडेट्स अवेलेबल ST 120, कैंडिडेट्स अवेलेबल OBC इज 91 एंड कैंडिडेट्स अवेलेबल इन EWS इज 59। अब ये डेटा हम लोग देख के ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है इन द फाइनल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डब्ल्यू में किए थे 57:1:2 है, लेस देन 1:2 रेशियो है कि नहीं। 60 अगर पकड़ लूँ तो बहुत ही लेस है, 57 भी लेस है, यहाँ पे 25:141, ये मोर देन, सर ये कन्फ्यूजन में दिया, ये लेस देन साइन होगा, ये मोर देन साइन होगा, मोर देन 1:5, जब मैं 25 पकड़ा हूँ, जब 22 पकड़ता हूँ तो और भी ज़्यादा है, मोर देन 1:6। अच्छा एसटी में रेशियो क्या है, 24:120, करीबन 1:5, तो अराउंड 1:5, यहाँ पे 10 अगर पकड़ लूँ तो 1:9, 6 भी अगर है तो 1:15, तो मैं पकड़ लेता हूँ ग्रेटर देन 1:9, और यहाँ पे रेशियो क्या है 5:59, 3 पकड़ता हूँ तो ग्रेटर देन 1:17, 5 पकड़ता हूँ ग्रेटर देन 1:11, तो मैं पकड़ता हूँ 1:11 से ज़्यादा है। तो देख रहे हो रेशियो especially for EWS and OBC, ये दोनों सेगमेंटाइज किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ये दोनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, 1:9, 1:5 हर एक कैटेगरी में। इसके बाद में हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के भी बारे में बात करेंगे, उसके बारे में अदर पोस्ट जो बहुत ही प्रीशियस है, डिमांडिंग है सबके लिए, वो उसके वीडियो में आएगा लास्ट में, वो वीडियो भी आएगा लास्ट में, लेकिन इसमें देखो 1:9, 1:11। तो अगर हम लोग फाइनल कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं तो क्या लगता है क्या होगा, 546 लेस देन 100,
तो मुझे नहीं लगता है ये शुड बी मोर देन 580। जो लोग भी 580 प्लस मिले हुए हो, बहुत अच्छा चांसेस है तुम लोगों को JSU के लिए इस साल। बट दिस कैन ऑल्सो गो अराउंड 600 रेंज, अगर उन्हें लगता है कि बहुत टाइम में स्टाफ सिलेक्शन लगता है कि 100 वैकेंसीज है या सॉरी 60 वैकेंसीज है, पूरा नहीं लेंगे इस साल, तो देयर कैन बी टफ सिचुएशंस। बट मुझे नहीं लगता है कि 580 से ऊपर जाएगा एज पर माई एक्सपीरियंस। 486:1:5, ये 540, जिन लोगों को भी 530 प्लस है, बहुत अच्छा सिचुएशन में हो तुम लोग। अच्छा, ये 477 ग्रेटर देन अराउंड 1:5, 477 इसका अराउंड 510, जो लोग भी 510 के ऊपर में हो, बहुत बढ़िया जोन में हो। अच्छा, इसका देखते हैं, ये 546, ये 1:9, यहाँ पे देखो वन कट ऑफ एक ही है, दिस कट ऑफ एंड दिस कट ऑफ, बट द कंपटीशन, सी द कंपटीशन, यहाँ पे 1:2, 580, यहाँ पे 1:9, अराउंड 600 हो सकता है। वैसे तो UR से ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा जिसका भी 570 प्लस है अच्छा रेंज में हो, बट मे बी द कट ऑफ कैन गो एज मच एज हाई टू 600, क्योंकि 1:9 आया था। EWS 364.49 गया था, तीन टू ही कैंडिडेट हैं, तो अगर ये जाएगा भी तो 460 वाट के अराउंड जाएगा, जो 450 के ऊपर हो सकता है चांसेस है, बट क्योंकि 3-5-6 वैकेंसीज करके है तो ज़्यादा मैं बेट नहीं कर पाऊँगा इसमें, क्यों लेगा कि नहीं लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा SSC के ऊपर। बट मुझे लगता है दिस कैन बी द फाइनल कट ऑफ। अब तुम्हारा सॉरी यहाँ पे तुम्हारा बोलने से बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, आप लोगों का क्या है ओपिनियंस वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन मुझे लग रहा है अगर इस जोन में आपका मार्क्स है तो यू आर इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन, वेरी वेरी कंफर्टेबल जोन। वो कहते हैं ना, समय को पहले आने तो दो फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो वही चीज़ हो गया अभी। 3-6 वैकेंसीज के लिए अगर जो लोग लड़ रहे हैं, अगर किसी एक को भी मिल जाता है वो सबको दिखा देगा। तो आई एम वेरी श्योर यू जो देख रहे हो वीडियो, यू कैन बी द वन हु कैन डू दिस। अब बढ़ते हैं जो नेक्स्ट सेगमेंट है वीडियो का, वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का फाइनल कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसीज है स्टैटिस्टिकल इस साल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर इन द रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो लेट्स सी उसका क्या जाएगा फाइनल कट ऑफ।